राजस्थान के कई जिलों में कल देर रात को मौसम के अंदर परिवर्तन देखने को मिला है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं मौसम विभाग की ओर। आप सभी को बता दूं कि मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर रखी थी कि आने वाले समय में राजस्थान के अंदर भारी गुबार के साथ साथ तेज बारिश देखने को मिलेगी, और हुआ भी ऐसा ही। राजस्थान के कई जिलों के अंदर कल देर रात को जोरदार बारिश देखने को मिली है। साथ ही साथ कई जगह आंधी भी बहुत जोरों से चलती हुई दिखाई दी, और आंधी का तूफान और गुबार आसमान में साफ साफ नजर आया है। लेकिन इससे आखिर नुकसान किसको हुआ? नुकसान एक बार फिर किसानों को ही होता हुआ नजर आया है, क्योंकि किसानों की फसलें एक बार फिर से खराब होती हुई साफ साफ नजर आई है। ज्यादा असर इसका श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर देखने को मिला है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के साथ साथ और कहां कहां पर इस बारिश ने अपना प्रभाव डाला है। राजस्थान के कई हिस्सों में सोमवार की देर रात तेज हवाओं के साथ आंधी हुई है। आंधी आने के कुछ देर बाद हल्की बारिश भी हुई। इससे आसमान में धूल पानी की बूंदों के साथ में जमीन पर गिरने लगी, तो वहीं बारिश की वजह से मौसम में ठंडक भी घुल गई और इसमें लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जानकारी के अनुसार, आप सभी को बता दें, श्री गंगानगर के अंदर देर रात धूल भरी आंधी चलने से आसमान में धूल का गुबार सा छा गया और बाद में बारिश भी हुई। इससे मौसम सुहाना तो हुआ, लेकिन श्री गंगानगर में आंधी ने तबाही भी मचा दी है। देर रात को आए तेज तूफान से कई जगह नहरें टूटने की खबरें मिली हैं। साथ ही कई जगह पेड़ गिरने से नहरें भी ओवरफ्लो हो गईं। इसके अलावा सड़कों पर भी गिरे पेड़ों की वजह से वाहनों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। तेज आंधी से कई कच्चे घरों की छत भी हवा के साथ उखड़ गई, और इस तरह हनुमानगढ़ में भी आंधी से काफ़ी नुकसान हुआ। आंधी से कई जगह फसलें बर्बाद हो गईं, तो कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे भी उखड़ गए। इससे बिजली की सप्लाई ठप हो गई और जैसलमेर जिले में भी मौसम का मिजाज बदल सा गया। बॉर्डर स्थित तनोट में ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई, साथ ही तेज हवा चलने से फसलें भी बर्बाद हुई। और इससे पहले राजस्थान में 21 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की बात कही थी। इससे पश्चिमी राजस्थान के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है। यह सर्कुलेशन 24 मार्च तक हरियाणा की ओर रुख करेगा और 23 मार्च तक प्रदेश में मेघ गर्जन के साथ में तेज बारिश के आसार अभी भी जताए जा रहे हैं।